जिले में अवैध कारोबार और गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु पुलिस कार्रवाई के तहत पुलिस टीम के प्रयासों के चलते जिला पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मन कामना प्रसाद और SDOP ब्यावरा के नेतृत्व में थाना देहात ब्यावरा पुलिस टीम ने अवैध रूप से परिवहन कर ले जा रहे कुल 50 नग भैंस के पांडे कीमत 35,000 रुपए का माल्यान वाहन को जब्त किया है और आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। दिनांक 24/11/2022 को बने सिंह भिलाला कस्बा भ्रमण पे थे कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रंक RJ11GB8802 में पांडे भरकर गुना की तरफ ले जा रहा है, जो मुखबिर की सूचना पर हमराह फोर्स आरक्षक 312 हरपा सिंह, आरक्षक 160 हेमंत भार्गव को अवगत कराकर मुखबिर के बताए स्थान टोल टैक्स भोपाल रोड पहुंचे तो गुना तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखा। ट्रक रोककर ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से उतरकर भागने लगे, जिनका पीछा करके पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम शाबिर अहमद उम्र 25 साल निवासी फिरोजपुर थाना नईना जिला नूह मेवात तथा दूसरे ने अपना नाम रईस खां कुरेशी उम्र 31 वर्ष निवासी घोसिया मोहल्ला पुराना कस्बा थाना बागपत कोतवाली जिला बागपत होना बताया है। उन दोनों को अभिरक्षा में लेकर पंचायत आरक्षक 312 हरपा सिंह थाना ब्यावरा देहात और आरक्षक 160 हेमंत भार्गव थाना ब्यावरा देहात की मदद से ट्रक का पीछा कर डाला और खुलाकर चेक किया तो ट्रक के अंदर 50 नग भैंस के पांडे भरे मिले, जिसमें सभी पांडे काले कलर के थे जो छोटी छोटी रस्सियों से बंधे थे और ठीक से उठ बैठ नहीं पा रहे थे। सभी पांडों को ठूस ठूस कर ट्रक में भर कर ले जाया जा रहा था। पांडों को मामूली से हल्की चोटें भी लगी हुई है। आरोपी शाबिर खान और रईस खान द्वारा सभी पांडों को अवैध रूप से निर्दया पूर्वक माल्यान वाहन में भरकर गाजीपुर दिल्ली से भरकर केरल बद करने के लिए ले जाया जा रहा था। आरोपी गनों से भैंस के पांडों को खरीदने का रवाना भी मांग की गई थी, जो नहीं होना बताया गया था। जब्तशुदा सभी पांडों को चारा पानी और सुरक्षा के लिए चंद्रवंशी होटल भोपाल रोड पर उतरवाया। जब्तशुदा ट्रक लेकर थाना लेकर गए। ट्रक सुरक्षा हेतु HCM को सौंप दिया गया है। हालात से थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। ये कल दोपहर की बात है, करीब 12 बजे के आसपास की मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो कवर्ड कंटेनर है उसके अंदर अवैध रूप से जानवरों का परिवहन किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु हमारी टीम गई थी और तस्दीक करने पर एक कंटेनर जो उत्तर प्रदेश तरफ से गुना होता हुआ आया था और भोपाल तरफ जा रहा था, उसको रोक करके उसकी तस्दीक की गई तो उसमें पाड़े जो भैंस के जो बछड़े होते हैं वो उसमें पाए गए भरे हुए और सभी बछड़ों को जब्त कर और कंटेनर को जब्त किया गया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।